Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna. वेलकम आइए आइए बैठिए सस्ते मुशायरे में आपका स्वागत है। दो रुपए टिकट है, ज्यादा नहीं है, फिर भी ये चिपकता है इधर। ये बहुत गंदा आदमी है। हाँ वेलकम दोस्तों, आज की शायरी आशिकों के नाम है। हमेशा की तरह अर्ज किया है, बैठ कर अपनी महबूबा की जुल्फों के साये में ऐसा जोश आया। हाँ बैठ कर अपनी महबूबा की जुल्फों के साये में ऐसा जोश आया, फिर क्या हुआ पूछो फिर उसके बाप ने देख लिया और ICU में होश आया। ये रोजमर्रा की जिंदगी आशिकों की, जो मैंने आज आपको एक नटशेल में बता दिया। टेक न्यूज में आपका स्वागत है, एंजॉय करिए हमारी टेक न्यूज, देखिए हंसते रहिए खुश रहिए। पोल की बात करें, मैंने आपसे पूछा था कि भाई स्टॉक को छोड़कर कौन सा कस्टम स्किन आपका सबसे फेवरेट है, तो असेंडिंग ऑर्डर में ही चल रहा था, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ओएस को ही वोट आया और मुझे वही लग रहा था। और आज हमने दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया, तीन इंटरेस्टिंग फोन्स बताए अंडर 15,000, उस वीडियो को देखिए आपको बड़ा मजा आएगा। और स्क्विड गेम मंडे के दिन हमारे चैनल पर नॉन टेक वीडियो आ रहा है, आप उसका इंतजार करना, ठीक है, कुछ अलग किया है, पूरा एंटरटेन होगा, आपको बड़ा मजा आएगा। इतना सा बस मैंने आपको खाली हिंट दे दिया, लाइक करिए खूब सारे लाइक्स, फटाफट से आज के टेक्निक्स शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं TWS से, यानी कि ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स। इंडिया के अंदर आपको बताया इसमें कितनी ग्रोथ हुई और सबसे ज्यादा लोग किसके TWS पसंद कर रहे हैं। तो Q3 की अगर रिपोर्ट की बात करें तो जुलाई अगस्त और सितंबर इस साल 8 मिलियन यूनिट्स सोल्ड हुए हैं TWS की। अगर मैं बात करूं ये लगभग 80 लाख के आसपास हो जाता है, और पिछले साल Q3 से कंपेयर करें तो 55% की ग्रोथ हुई है, जो बहुत बड़ी बात है। और इसमें दोस्तों सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है बोट का 35% पर। इमेजिन, मतलब लोग बोट के TWS कितने ज्यादा पसंद कर रहे हैं इंडिया में। उसके बाद आता है सीधा रियलमी, और उसके बाद दोस्तों फिर नॉइस है, और इसमें एप्पल भी है दोस्तों। हाँ सोचो, लेकिन बोट ने यहां पर बाजी मार लिया। अगर TWS की यहां पर बात करते हैं, आप मुझे कमेंट में जरूर से बताना कि क्या आपके पास ट्रू वायरलेस ईयरफोन है और कौन सी कंपनी का है, ये मुझे जरूर बताना। बाय द वे, स्कैमर्स ने एक नया तरीका ढूंढ लिया है लोगों को स्कैम करने का, और इस बार उन्होंने ऑफिशियल रास्ता ढूंढा है गूगल एड्स के जरिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं न्यू क्रिप्टो करेंसी स्कैम का। अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसीज है, आप गूगल पर सर्च करें और आपको बिटकॉइंस वगैरह की किसी की भी एड दिख जाती है, और ऑफ कोर्स अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप उस पर क्लिक करेगी, और उसके बाद आपकी वॉलेट से सारे जो बिटकॉइंस है जो भी आपके पास है वो यहां से निकाल के सीधे अपने वॉलेट में वो लोग डाल देंगे। मतलब बहुत बुरी तरीके से वो लोग लोगों को ट्रिक करते हैं। करोड़ों रुपए दोस्तों उन्होंने ऐसे यहां पर जमा कर लिए और लोगों को ठग दिया है गूगल एड्स के जरिए, जो एकदम शॉकिंग बात है। तो मैं ऐसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप बिटकॉइंस में इन्वॉल्व है, किसी भी लिंक पर और किसी भी ऐसे बैनर पर गूगल में क्लिक मत करना, क्या पता वो स्कैमर है और आपकी वॉलेट पूरी की पूरी खाली कर देगा। अगर आपने iPhone 13 सीरीज लिया है तो ध्यान से सुनिएगा, अगर ये फोन इनकेस इसका डिस्प्ले टूट जाता है तो रिपेयर करना कंप्लीटली इम्पॉसिबल है, ऐसा iFixit ने यहां पर बताया। यानी कि आपको एप्पल की खुद ऑफिशियल गैलरी में ही जाना पड़ेगा और बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, इतने मतलब इंडिया में फ्लैगशिप फोन आ जाएगा। हाँ आपने सही सुना, लेकिन इनके अगर आप सोचते हैं कि मैं थर्ड पार्टी जगह पर चले जाऊं और सस्ते में काम कर लूं तो वो कंप्लीटली इम्पॉसिबल है, क्योंकि इनके डिस्प्ले में माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल हुआ है। यानी कि जो थर्ड पार्टी वाले जो डिस्प्ले रिपेयर करते हैं उनको एक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, जो बहुत ही एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट होता है, सोचो, और वो अफोर्ड नहीं कर सकेगा तो वो कैसे आपके डिस्प्ले को रिपेयर करेगा। और इनकेस अगर उसने कर भी दिया तो उसमें ऐसा सिस्टम है कि एप्पल की वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी सर्वर के थ्रू, नहीं तो आपका फेस आईडी भी नहीं चलेगा। ये कांड हो चुका है iPhone 13 सीरीज के डिस्प्ले में अगर कुछ इशू हुआ तो, यानी कि लंबे खर्चे में आप आ जाएंगे। तो मेहरबानी होगी अगर आपने लिया है तो इतना प्यार से सजा के रखना जितना हम हमारे बीवियों को नहीं प्यार करते। साथ में iPhone 10 जो है दोस्तों, याद है मैंने आपको बहुत पहले अपने टेक न्यूज़ में बताया था कि एक बंदा है केन करके, उसने लाइटनिंग पोर्ट को रिप्लेस करके टाइप सी पोर्ट कर दिया था, तो iPhones में फर्स्ट टाइम हमें टाइप सी पोर्ट मिल रही थी इस बंदे की बदौलत। तो ये उसने वो वाला iPhone eBay पर डाला सेल पर, और अभी तक 75 लाख की हाईएस्ट बिडिंग आ गई है। कितना, लोग 75 लाख रुपए देने को भी तैयार है सिर्फ एक iPhone 10 के लिए जिसमें टाइप सी पोर्ट है, और अभी भी बिडिंग चल रही है। क्या चलता है मेरे को समझ नहीं आ रहा है, कौन लोग है ये, क्या करते हैं, इतना टाइम पास करते, इतना पैसा कहां से आता है, लेकिन सोचो इस बंदे की ना निकल पड़ी है। Amazon दोस्तों बताया जा रहा है कि इंडिया में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लाने की प्लान कर रहा है।
एक तरफ स्टारलिंक है अपने मस्के वाले भैया का, एक तरफ अमेजोन है। इनका प्रोजेक्ट क्यूपर प्रोग्राम चल रहा है, उसके तहत वो ये करने वाले हैं। 4,500 और नए सैटेलाइट्स उन्होंने डिप्लॉय करने की सोचा है और इस पर लगभग 74,000 करोड़ रुपया उन्होंने खर्चा किया है पूरे वर्ल्ड में ऐसे इंटरनेट सैटेलाइट्स डिप्लॉय करने के लिए। इंडिया में भी दोस्तों जो जियोग्राफिकल लोकेशंस होती है जहां पर इंटरनेट होता ही नहीं है वहां पर हमें ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगी और इनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और अगर ये आ जाता है दोस्तों तो हमें इंटरनेट में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। लेट्स सी, स्टारलिंक तो आया है अभी, अमेजोन और स्टारलिंक में क्या होता है ये तो आगे ही पता चलेगा। मोतो भैया, सारे लोग रेस में लगे हुए अपने क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 898 वाले फोन को लाने के लिए। शाओमी मुझे लगता है सबसे पहले होगा, फिर वीवो वाले आ रहे हैं, रियलमी भी होगा जिन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि हम बहुत महंगे महंगे फोन्स लाएंगे। तो मोटोरोला भी दोस्तों बताया जा रहा है कि वो अपने स्नैपड्रैगन 898 वाले फोन को अगले महीने लेके आएगा, मतलब अगले महीने ये चिपसेट आ रही है और अगले महीने बहुत सारे अनाउंसमेंट्स होने वाली है। तो लेट्स सी, ओप्पो वाले भी लेके आ रहे बोल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ज़्यादातर फोन्स अगर डायमेंसिटी 2000 पर आए तो बेटर है, क्योंकि थोड़े अफोर्डेबल भी रहते हैं अगर स्नैपड्रैगन के चिपसेट से कंपेयर करें। देखते उम्मीद करते स्नैपड्रैगन 888 की तरह ये कांड ना करें तो बेटर होगा। सैमसंग गैलेक्सी नोट सीरीज जो है सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज के रूप में रिबूट होने वाली है, ऐसे यहां पर लग रहा है। जॉन प्रोसर उन्होंने ट्वीट किया, सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज का फर्स्ट रियल लाइफ लुक यहां पर दिया है और पीछे से देखकर जो रेंडर्स आए थे ना लेट्स गो डिजिटल वाले, सेम टू सेम वैसे मैच कर रहा है। डिस्प्ले भी कमाल लग रही है और साथ में एस पेन भी अंदर लगा हुआ है इसीलिए मैंने बोला कि नोट सीरीज जो है वो इनमें रिबूट हो रही है। और अगर ऐसे होते दोस्तों तो नॉट बैड, लेकिन अब देखते हैं कि भाई बाकी सैमसंग के इनको लेकर क्या प्लान से। फेब्रवरी में बोल रहे दोस्तों आने के लिए, जब आएगा तब देखते हैं। वैसे 11 नवंबर को पबजी न्यू स्टेट ऑफिशियली अवेलेबल हो जाएगा और मैं जानता हूं कि लोग इस पर बहुत टूट पड़ने वाले हैं। हम भी एक वीडियो लेके आएंगे और बहुत एंजॉय करेंगे, लेकिन इसमें कुछ और नए मोड्स हैं जो ऑफिशियली यहां पर कंफर्म्ड हो गए। क्राफ्टन ने जिसके बारे में बताया कि हमारा जो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में फेमस टीम डेथ मैच है वो भी आपको मिलेगा इसमें, और उसके अंदर एक स्टेशन मैप होगा जिसमें आप इसको खेल सकेंगे, जो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक और फीचर आएगा ट्रंक नाम से और साथ में बहुत सारे डिफरेंट मैप्स भी आपको देखने को मिलेंगे। रैंगल को भी वो लोग कुछ अपडेट कर रहे हैं और उसमें काफ़ी सारे नए चीज़ें यहाँ पर डालने वाले हैं। तो जो पबजी न्यू स्टेट आ रहा है ग्राफिक्स के साथ साथ बहुत सारे न्यू फीचर्स यहां पर लेके आ रहा है, ऐसा क्राफ्टर ने यहां पर बताया, लेकिन आपने फिर भी स्किप किया है ना। देखो मैं कैसा बीच में से ही पकड़ लेता ना, कैसा बेशर्मों की तरह यूं देख रहे थे ना, और जैसा मैंने बोला स्किप किया तो कैसा आप पीछे हट गए ना यूं क्या आपको बताया दोस्तों, फर्स्ट टाइम एवर पूरे वर्ल्ड में ऐसा बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स ने जो पिग होता है ना, सुअर जो होता है, उसकी किडनी को सक्सेसफुली ह्यूमन में ट्रांसप्लांट किए और वो उसमें फंक्शन भी कर रहा है, ऐसे उनको रिजल्ट्स भी दिखाई दिए। सोचो टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो रही है। आज की रिंग न्यूज़ ये खत्म होती है, मैं करता हूं आपको आज की रिंग न्यूज़ पसंद आएगी, पसंद है लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।